हाय फ्रेंड, आज मैं आपको वाल्व कलेक्ट के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। ये क्यों फिट किया जाता है और कैसे फिट किया जाता है। तो इसका जो है अलग सिस्टम होता है, क्योंकि ये जो है कई टाइप के होते हैं। हालांकि अब देखिए, इसमें जो है ये कलेक्ट जो है, ये एक तो होता है कि सिंगल लॉक होता है, एक में जो होता है वो डबल लॉक होता है। क्योंकि वाल्व जिस हिसाब का होता है भाई, हर कंपनी का वाल्व अलग अलग होता है, उस हिसाब से कलेक्ट भी होता है। तो कलेक्ट को उसी हिसाब से करते हैं हम लोग, और कालेट को कैसे चेक किया जाता है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, जैसे दो कालेट हम लेते हैं तो उसको एक साथ हम मिलाकर ये चेक कर लेते हैं, तो उससे ये पता लग जाता है कि हमारा गैपिंग तो नहीं है। तो मतलब ये, क्योंकि जब कालेट हम लगाते हैं तो वाल्व में एकदम टोटल फिट हो जाता है, तो उस हिसाब से ये कालेट को हम इसी टाइप से हम देखते हैं। और इसके बाद अगर थोड़ा कन्फ्यूजन होता है तो हम इसको वाल्व का जो रिटेनर होता है जहाँ पर कालेट लगता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये यहाँ पर जो जैसे रिटेनर है, रिटेनर में देखिए हम ये कालेट को डालकर फिट कर दिए, क्योंकि ये स्प्रिंग के ऊपर लगता है। तो ये देखिए, ये कॉलेट इसमें जो है कंप्लीट एकदम मतलब साथ में लगा हुआ है। तो इससे ये होता है कि मतलब कॉलेट हमारा मतलब डिफर नहीं है। ये इसका पूरा मतलब कॉलेट चेक करने का होता है। ये देखिए, ये इस हिसाब से जो है हम कॉलेट को लगाते हैं। पहले हेड में हम वाल्व डाल देते हैं, क्योंकि वाल्व गाइड के थ्रू आता है, फिर स्प्रिंग डालने के बाद रिटेनर डालते हैं। रिटेनर के ऊपर से ही जो है हम कॉलेट को जो है लगाते हैं। ये देखिए, ये हमने फिगर के द्वारा भी दिखाया है, क्योंकि ये इस हिसाब से जो है हमारा वाल्व में स्प्रिंग डालते हैं। क्योंकि वाल्व को पहले हम वाल्व गाइड में डालते हैं हेड में, फिर उसके बाद ये स्प्रिंग डाल के फिर हम वाल्व रिटेनर डालते हैं। वाल्व रिटेनर डालने के बाद जो है फिर हम ये कलेट जो है लगा कर हम फिट कर देते हैं। ये देखिए, ये दूसरा फिगर है, उसमें भी हम जो है इसी टाइप से इसको कर रहे हैं। तो ये जो है, ये हमारा पूरा वाल्व का कलेट क्यों होता है। और ये अगर ये वाल्व का तब ये हमारा जो है वाल्व ड्रॉप की चांसेस बढ़ जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक सब्सक्राइब, और हो सके तो अपने दोस्तों को भी इसको जानकारी के लिए जो है इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।